वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे, और आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा मैं क्यों आई हूँ डिनर पे। और ये यहाँ की लोकेशन है, आप देख सकते हैं। इनको है ना बहुत ज्यादा शाही है। नहीं नहीं शाही नहीं, नहीं हो शायद। अच्छा कैमरा शाही नहीं। तो कैमरे ही तो चल रहे। अभी हम लोग निकल दिए हैं यहाँ से, अब जाएंगे घर, है ना? नहीं, घर नहीं जा रहे, हॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? हॉपिंग। हॉपिंग अंग्रेज पति हम हॉपिंग कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग होती है वैसे ही हॉपिंग होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, लाइक दिस। बट हम सेकेंड जगह जाएंगे क्योंकि रात बहुत हो गई है और इनको निकलना भी है मॉर्निंग में, और मैं इनसे बहुत नाराज़ थी इसलिए ये बीबी को खुश कर रहे हैं। तो हम अपनी गड्डी पे बैठ जाएंगे। बीबी को खुश कर रहे हो आप? क्यों बताया नहीं आपने? क्यों बीबी को खुश कर रहे हो? बीबी को खुश कर रहे हो? बोलना ही नहीं क्या? इसके हस्बैंड को बोलना ही नहीं क्या? लगा रही हूँ। तो मिस्टर हस्बैंड को बात भी नहीं करनी है ना? जादूगर ओ जादूगर तू है मेरा, तेरा वादा वो कसम। वो कौन सा गाना था? इतने दिन तुमने क्या किया, तेरा नाम लिया मेरा पिया था। ये मुझे बता रहे हैं जब मैं आऊं तो ये वाला गाना गाना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। होगा कल मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया था, मैं मेरे हस्बैंड के साथ गए थे घूमने के लिए और बहुत मजे कर रहे थे हम लोगों ने साथ में।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको पता है कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। सॉरी आप लोग लिपस्टिक नोटिस मत कीजिए, मुझे लिपस्टिक फैल जाती है। और हाँ आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो ना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, लव यू। और मैं पता सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो लोग ये बोलते हैं दीदी आपके अंदर नखरे आ गए हैं, आप रिप्लाई नहीं करती हो, आप में एटीट्यूड आ गए। भैया नहीं आया एटीट्यूड, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, बस रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। ऐसा कोई सिंगल कैंडिडेट नहीं है जिसका मैं रिप्लाई, हाँ रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी, पर मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ सबके, क्योंकि मैंने आपको सच्चे दिल से फैमिली माना है इसलिए। और अभी थोड़ी थोड़ी सी नींद भी आ रही है, देखते हैं सोने का क्या है, सोती हूँ या नहीं सोती हूँ। और अब आप लोग सोच रहे हो कि बार बार बाली दिखा के रह गई। मुझे ना कोई चीज़ अच्छी लगती तो मैं बार बार उसी पे रहती हूँ कि हाँ अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताइए मेरे हेयर कट आपको कैसे लगे, आपको मेरा न्यू लुक कैसा लगा लक्ष्मी का। और बहुत जल्दी मैं रील्स भी बनाने वाली हूँ, अब कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अपनी रील्स को भी मैनेज करने की, अपना सब कुछ करना है मुझे लाइफ में, सब कुछ धीरे धीरे धीरे। मतलब एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, लेकिन मेरी लाइफ में ये है कि हर काम करना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करना है। मुझे ये है कि हाँ हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि आप आगे लाइफ में अगर कुछ करते हो तो आपको पता होता है कि हमने यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, इस जगह भी एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आपको बताऊँ, मैं मार्केट गई थी, धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो वहाँ से मैं एक चुन्नी लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो वो चुन्नी इस कलर की है। तो बताइए कैसी लगी आपको, बहुत गर्मी हो रही है और बाहर फेस कवर करने के लिए लेके आई हूँ मैं। वैसे मुझे तो बहुत पसंद आई है, मतलब एक ही बार में ये भाग गई, मुझे एक बार में भाग गई। इसका कलर डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है ना, कैसा लगा आप लोगों को। और आप लोगों को पता है कि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने मार्केट से लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसका कपड़ा बहुत ही प्यारी है। सबसे अच्छी बात है इसको आप कहीं मतलब किसी भी सूट में कैरी भी कर सकते हो, और बहुत आसानी से आप इसे पहन के कहीं पे भी जाओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है, मैंने अभी तक तो नहीं देखा किसी के पास। और लक्ष्मी को वही चीज़ पसंद आती है जो किसी के पास ना हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मुझे एक बार में भाग गया था। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, तो मैंने एक ही बार में इसको पसंद कर लिया था। और हाँ आप लोग जो चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। और जिस पार्लर में मैं आज गई थी, उस पार्लर में मैंने अपना शादी यानी मैं ब्राइडल का जो मेकअप हुआ था वो मेरा उसी पार्लर में हुआ था। और आप लोग बोल रहे थे अपनी शादी का वीडियो डालो, अपनी शादी का वीडियो डालो, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर डालूंगी, छोटे छोटे क्लिप्स जो होंगे मैं पक्का डालूंगी, वो आप लोग देख लीजिए। और जो भी मतलब जो भी सोचा था मेरी फैमिली ने डिसाइड किया था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे टैडी गिफ्ट किया था, तो ये मेरा टैडू बैठा है बड़े प्यार से, शर्मीला टैडू। और तो मेरा टैटू बैठा है, और आप लोग है ना काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे कि दीदी हमारी हेल्प कर दो, दीदी हमारी हेल्प कर दो। तो हेल्प करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं खुद की हेल्प कर लूँ बहुत बड़ी बात है। आई नो कि आज के टाइम पे कोई किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर आपके अंदर गट्स है, मैं कोशिश ये कर सकती हूँ, मैं मेरा जो हो सकता है मैं चैनल शेयर कर सकती हूँ आप लोगों का, लेकिन आगे की गारंटी मैं नहीं ले सकती। आगे तो आप ही लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ हर किसी को आगे बढ़ना है लाइफ में, आगे कुछ ना कुछ करना है, तो जितना हो सकेगा कोशिश मैं पूरी करूँगी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़ें और आप लोगों की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप अपने काम पे फोकस रखिए, आप अपनी स्टडी पे फोकस रखिए, ना कि यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब अच्छा तो है लेकिन ये अगर एक बार एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, अगर इसका एक नशा चढ़ गया तो छुड़ाना थोड़ा सा पॉसिबल, यानी कि फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। तो इसलिए अभी अपनी पढ़ाई अपने करियर पे फोकस कर लीजिए, जब सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे तो यूट्यूब तो अपना बना बनाया है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप तक जितना हो सके अच्छी चीज़ें ला सकूं,
और जितना होगा मैं करूंगी। आप लोग बोलते मेरी हेल्प कर दो, जितना बनेगा उतनी हेल्प करूंगी, अगर जितना बन सकता है पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने भी यहाँ तक आने के लिए मेरी भी काफ़ी लोगों ने मदद की है। मैं भी यहाँ पे ऐसे नहीं आ गई, मुझे भी यहाँ पे लाने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए लोगों ने जी जान मेहनत की है। तो काफ़ी लोगों को श्रेय जाता है, और जिनका मैं दिल से एहसान मानती हूँ, मैं उनको हमेशा उनके लिए अच्छे ही सोचती हूँ। जता के कोई चीज़ नहीं होती है, और मेरे किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से मेरा कोई भी वो भी नहीं है। आज की डेट में मैं खुश हूँ, मैं ये चाहती हूँ सब खुश रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें, है ना। तो चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।